हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। आज मैं नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, जिस पे मैं बी ट्री के बारे में आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो सीरीज का ये पहला सेशन है जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ बी ट्री के बारे में। बी ट्री क्या होता है और वो किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन बी ट्री का। बी ट्री को जाने से पहले मुझे आपको ये बताना है कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज। तो वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला टाइप जो होता है वो है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या होता है। बाइनरी ट्री के हमेशा रूट नोड के दो चाइल्ड नोड्स होते हैं, लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड, इसलिए इसको हम बाइनरी ट्री बोलते हैं। मिनिमम जीरो नोड, मैक्सिमम दो नोड उसके होते हैं। आपको अगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं यहाँ पे राइट अप कॉर्नर में मेरे प्रीवियस वाले वीडियोज के लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। आप पहले वो देख लीजिए, फिर ये वाला वीडियो आप रिज्यूम कर सकते हो, क्योंकि ये बातें, ये चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगला वाला टाइप है बाइनरी सर्च ट्री। ये जो स्पेसिफिक टाइप है, डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, जिसके लिए हम अगर कोई भी एलिमेंट हमें सर्च करना है तो उसके लिए हम बाइनरी सर्च ट्री का यूज करते हैं, जिसपे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में और लेफ्ट सब ट्री में उसके रूट नोड से छोटी वैल्यूज होती है, लेस वैल्यूज होती है, और उसके राइट सब ट्री में उससे बड़ी वैल्यूज होती है। तो ये हो गया बाइनरी सर्च ट्री। पर बाइनरी सर्च ट्री अगर लेवल वाइज देखा जाए, हाइट बैलेंस अगर देखा जाए, तो ये उसके दो अलग टाइप्स हैं, जो है एवीएल ट्री और रेड एंड ब्लैक ट्री। अगर इसके बारे में भी आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे पिछले वीडियोस का मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, वो भी आप देख लीजिए और फिर ये वाला वीडियो रिज्यूम कीजिए। और अगला वाला टाइप है जो है कि बी ट्री, इसे हम एम वे ट्री भी बोलते हैं। तो ये बी ट्री क्या होता है, ये हम इस वीडियो सेशन में देखने वाले हैं। जबकि हम बी ट्री देखने वाले हैं, उससे पहले मुझे ये बताना होगा कि बी ट्री एंड बाइनरी ट्री का डिफरेंस क्या है। क्या वो दोनों सेम है? अगर सेम है तो सिमिलरिटी क्या है, अगर डिफरेंट है तो डिफरेंस क्या है। तो इस स्लाइड में मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्या बी ट्री एंड बाइनरी ट्री दोनों सेम है। तो यहाँ पे इस सेक्शन में मैं बी ट्री एक्सप्लेन करने वाली हूँ, राइट वाले सेक्शन में बाइनरी ट्री एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं फर्स्ट वाला पॉइंट। बी ट्री जो होता है ना, हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि सभी उसके चाइल्ड नोड्स जो होते हैं वो सेम लेवल पे होते हैं। क्या ये कंडीशन हमारा बाइनरी ट्री के लिए भी अप्लाई होता है? अगर आपको बाइनरी ट्री अच्छे से पता है तो आप बोलोगे कि नहीं। सो इट डज नॉट हैव सच कंस्ट्रेंट। ये कंस्ट्रेंट बाइनरी ट्री के लिए नहीं है। अगर आपको स्क्यूड बाइनरी ट्री करके एक ट्री का नाम पता है जिसपे हम लेवल सेम नहीं होता है, वो किसी एक डिरेक्शन में ही ग्रो होता है, तो ये कंस्ट्रेंट हमारी बाइनरी ट्री के लिए मैंडेटरी नहीं है। पर अगर हम बी ट्री के बारे में सोच रहे हैं तो हमें यह हमेशा ध्यान में रखना है कि सभी चाइल्ड नोड्स सेम लेवल पे होने चाहिए। अभी हम अगला वाला कंस्ट्रेंट देखते हैं कि अगर मेरे पास बी ट्री है तो उसके लिए, उसके साथ मेरे पास एम नंबर ऑफ सब ट्रीज है। क्या ये मुमकिन है कि एक ट्री को एम नंबर ऑफ सब ट्रीज, इसका मतलब एम नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स है? तो हाँ, ये मुमकिन है। वही हमारा मेन की पॉइंट है हमारे बी ट्री के बारे में। तो अगर हमारे पास बी ट्री है तो उसके लिए हमें एम नंबर ऑफ सब ट्रीज, एम नंबर ऑफ नोड्स हमारे साथ होते हैं, जिसको हम उसका ऑर्डर बोलते हैं। अगर यही चीज हम देखी जाए बाइनरी ट्री के साथ, तो क्या हमारा बाइनरी ट्री ये सारी चीजें, ये कंस्ट्रेंट फॉलो करता है? नहीं, क्योंकि हमारा ट्री जो है बाइनरी ट्री है। तो बाइनरी ट्री है तो उसका मतलब है उसके पास मैक्सिमम दो चाइल्ड नोड है। अगर मैक्सिमम दो चाइल्ड नोड है तो मैक्सिमम दो सब ट्रीज उसके पास रहेंगे। तो ये मेन डिफरेंस हो गया बाइनरी ट्री एंड बी ट्री में। तो
यहाँ पे आपको ये क्लियर हुआ होगा कि बी ट्री एंड बाइनरी ट्री ये दोनों सेम नहीं है. बी ट्री अलग है, बाइनरी ट्री अलग है. बी इसका मतलब ये बी बाइनरी का शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे नहीं है. इसका नाम ही ऐसे रखा गया है जिसको हम बी ट्री बोलते हैं. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बी ट्री क्या होता है. सबसे पहले ये भी एक सर्च ट्री है जो कि एक स्पेशल टाइप का सर्च ट्री है. तो वो स्पेशलिटी क्या है, उस ट्री का नाम है बी ट्री. तो स्पेशलिटी क्या है कि हर एक नोड जो हमें क्रिएट करना है उसमें हम एक से ज्यादा वैल्यू और की वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं. अब तक हमने जितने सारे ट्रीज देखे थे, बाइनरी ट्री, उसमें हम एक ही नोड एट ए टाइम, नोड में एक ही वैल्यू हम स्टोर कर सकते थे. पर ये एक स्पेशल सर्च ट्री है जिसमें हम मोर देन वन की वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं और जिसको मोर देन टू चिल्ड्रन भी हो सकते हैं. तो यही स्पेशलिटी को लेके हम आगे बढ़ते हैं. तो ये जो अभी मैं आपको बोलने वाली हूँ विच इज अ फैक्ट अबाउट बी ट्री, तो वो क्या है. बी ट्री जो है वो सेल्फ बैलेंस सर्च ट्री है. जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसके साथ उसके हर एक नोड में मल्टीपल की वैल्यूज होते हैं और उसको मोर देन टू चिल्ड्रन भी होते हैं हर एक नोड को. तो ये फैक्ट हमें हमेशा याद रखने हैं. दिस इज द की पॉइंट, जिसको हम की पॉइंट बोल सकते हैं बी ट्री के बारे में. अभी हम ज्यादा जानकारी लेंगे बी ट्री के बारे में. तो सबसे पहला पॉइंट है, जैसे मैंने लास्ट टाइम अभी बोला, सेल्फ बैलेंसिंग. क्योंकि जैसे जैसे हम इंसर्ट करते हैं वैल्यू, वो सेल्फ बैलेंस करके इंसर्ट होता है. जैसे कि हमें अभी पता है एवीएल ट्री और रेड एंड ब्लैक ट्री है, वो भी सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है. पर वो जो डेटा स्टोर करते हैं वो एवरीथिंग वो मेन मेमोरी में रखता है, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा होता है. अगर हमें ज्यादा नंबर ऑफ कीज के बारे में सोचना है, तो ज्यादा नंबर ऑफ कीज अगर है तो वो हम मेन मेमोरी में रख नहीं सकते. उसके लिए हमें डिस्क स्पेस की जरूरत होती है. और जो डेटा हम रीड करते हैं डिस्क स्पेस से, उसके लिए हमें ज्यादा टाइम लगता है. क्योंकि जो डेटा डिस्क स्पेस पे अवेलेबल है वो एक्सेस करने के लिए हम ज्यादा टाइम लेते हैं. तो ये टाइम हमें रिड्यूस करना है, यही बी ट्री का मेन आइडिया है. तो वो टाइम अगर हम रिड्यूस कर सकते हैं तो ये अच्छी बात है. और वो हम रिड्यूस कर सकते हैं बी ट्री के साथ. तो हम वो कैसे करते हैं वो अगली वाली स्लाइड में हम देखते हैं. अभी हमें क्या करना है, तो ये जो है, तो बी ट्री जो है वो मेन मेमोरी में से डेटा एक्सेस नहीं करता है. तो क्यों, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है. बड़ा होता है इसलिए वो डिस्क से एक्सेस करने के बगैर हम इस ट्री में वो सारी वैल्यू हम स्टोर कर लेंगे. तो वो सारी वैल्यू स्टोर करने के बाद उसका एक्सेस टाइम क्या हो गया, तो वो हो गया बिग ओ एच. बिग ओ एच, जहां की एच है हमारा हाइट ऑफ द ट्री. जैसे जैसे हम डेटा इंसर्ट करते जाएंगे ज्यादा वैल्यू लेके, तो ये ट्री फैट बनते जाएगा, क्योंकि इसका हाइट जो होता है वो हमें लो रखना है, कम रखना है. जब अगर हाइट कम है तो ऑब्वियसली ये ट्री फैट होता जाएगा, क्योंकि एट ए टाइम इसमें बहुत सारी वैल्यूज हमें स्टोर करनी है. तो ये जो होता है, हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो नोड साइज है वो हमेशा डिस्क ब्लॉक साइज से के बराबर होती है. तो ये हमेशा बराबर हमें रखनी है जितनी ब्लॉक साइज होती है डिस्क की, जहां से हमें एक्सेस करना है. पर एक्सेसिंग टाइम हमें रिड्यूस करना है, तो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इन डिस्क हम यहाँ पे बी ट्री में डेटा स्टोर करने वाले हैं. तो इसके साथ साथ हम जो टाइम लगने वाला है एक्सेस करने का, वो हम यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं. बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री, रेड एंड ब्लैक ट्री, ये सारे ट्रीज हम एक्सेस करते हैं डेटा, बट उसके वैल्यूज बहुत, उसके नंबर ऑफ कीज बहुत कम होते हैं. इसलिए ये फिजिकल नहीं है अगर हमें ह्यूज डेटा वहां पे स्टोर करना है. अगर हमारे पास ह्यूज डेटा है अगर और वो डेटा हम डिस्क में रख रहे हैं, तो डिस्क में रखने के बाद उसका एक्सेस टाइम बढ़ता है. तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि एवीएल ट्री, रेड एंड ब्लैक ट्री,
सर बाइनरी सर्च ट्री फिजिबल नहीं है ज्यादा वैल्यूज के लिए. ज्यादा वैल्यूज के लिए डिस्क एक्सेस हम यूज कर सकते हैं, बट डिस्क एक्सेस हम यूज अगर करते हैं तो उसका एक्सेसिंग टाइम बड़ा होता है. तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए बी ट्री बनाया गया है. और बी ट्री हमें ये फिजिबिलिटी देता है कि जो हम डिस्क पे स्टोर करते हैं उसके बगैर हम बी ट्री में वही डेटा स्टोर करेंगे और वही डेटा हम एक्सेस करेंगे विद इन वेरी लेस टाइम. तो ये जो है हमारा ट्री, तो वो ट्री हमारा लेस टाइम में डेटा एक्सेस करके देता है. अभी यहाँ पे मैं आपको अगला वाला कंसेप्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, वो है ऑर्डर ऑफ बी ट्री. क्योंकि अभी आपको पता है कि मोर देन वन नंबर ऑफ कीज हम हर एक नोड में स्टोर कर सकते हैं. तो जितने नंबर ऑफ कीज हम एक नोड में स्टोर कर रहे हैं उससे एक नंबर ज्यादा उसके चिल्ड्रन नोड होते हैं, और उसी काउंट को हम उस ट्री का ऑर्डर बोलते हैं. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया है जहां पे जनरली जैसे ये बाइनरी ट्री दिख रहा है, तो बाइनरी ट्री का एक सिंगल वैल्यू है, उसका एक फर्स्ट चाइल्ड है, राइट सेकंड चाइल्ड है. तो अगर एक ही की वैल्यू है तो उससे एक ज्यादा, मतलब एक प्लस एक वो हो गया दो, और उसके मैक्सिमम दो चाइल्ड नोड हो गए, तो ये ट्री का ऑर्डर हो गया टू. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इस ट्री का ऑर्डर हो गया टू. और एक एग्जांपल हम देखते हैं जहां पे मैंने ऑर्डर थ्री का एग्जांपल एक्सप्लेन किया हुआ है. यहाँ पे आप देख सकते हो एक नोड में मैंने दो वैल्यूज रखे हैं. अगर मैं यहाँ पे दो वैल्यूज रख रही हूँ तो फर्स्ट वैल्यू से पहले उसका फर्स्ट चाइल्ड हो गया, ये दोनों कीज के बीच में मेरा हो गया सेकेंड चाइल्ड, और उसके बाद द सेकेंड वैल्यू सेकेंड की के बाद मेरा थर्ड चाइल्ड हो गया. ये जो चाइल्ड नोड है उस पे भी हम मैक्सिमम हर एक नोड पे दो वैल्यूज यहाँ पे रख सकते हैं. तो ये ट्री जहां पे नंबर ऑफ नोड्स चाइल्ड नोड्स तीन है तो इसका ऑर्डर हो गया थ्री. ये तीन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे उसके दो की वैल्यूज है, हर एक नोड में दो की वैल्यूज है, इसके लिए इसका ऑर्डर हो गया थ्री. अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि उसके प्रॉपर्टीज क्या होती है. प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये बी ट्री का इस्तेमाल करने वाली हूँ. ये एक एग्जांपल है बी ट्री का. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि सभी लीफ नोड सेम लेवल पे है. यहाँ पे आप देख सकते हो सभी लीफ नोड्स आर एट द सेम लेवल. सेकेंड प्रॉपर्टी जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि नॉन लीफ नोड अगर वो रूट नहीं है तो उसमें एम जो है वो ऑर्डर है, उस ट्री का ऑर्डर है, मतलब कि उसके नंबर ऑफ चिल्ड्रन नोड कितने होते हैं वो है एम, और उससे माइनस वन करके उसका उसके की वैल्यूज होते हैं. तो एट लीस्ट कितने कीज उसमें होने चाहिए वो निर्भर करता है उसके ऑर्डर पे. तो अगर मेरा ऑर्डर एम है तो एम बाय टू माइनस वन ये हो गया नंबर ऑफ कीज, और m बाय टू ये हो गया मेरे नंबर ऑफ चिल्ड्रन. अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन m बाय टू है तो उसके नंबर ऑफ कीज उससे माइनस वन होता है. मान लो कि ये वाला ट्री है, इसका ऑर्डर यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे दो है. अगर यहाँ पे मेरा ऑर्डर दो है तो सॉरी तीन है, यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ कीज आर स्टोर्ड आर थ्री एंड ऑर्डर थ्री प्लस वन इज फोर. तो ये मेरा ऑर्डर, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है बी ट्री ऑफ ऑर्डर फोर. तो यहाँ पे m हो गया फोर, तो फोर अपॉन टू इज टू, टू माइनस वन इज वन. सो मिनिमम एक की इसमें होगा, और अगर एक की है तो फिर से फोर अपॉन टू इज टू. तो अगर एक सिंगल की है तो उसके मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन नोड जो होते हैं एटलीस्ट वो दो होते हैं. तो ये कंस्टेंट हो गया, ये प्रॉपर्टी हो गई फॉर नॉन लीफ नोड. अगली वाली प्रॉपर्टी भी नॉन लीफ नोड के साथ है अगर वो रूट नहीं है तो. ये वाली प्रॉपर्टी में मैंने एट लीस्ट वाला कंस्टेंट एक्सप्लेन किया, यहाँ पे मैक्सिमम वाला कंस्टेंट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ. यही देखते हैं कि ये ऑर्डर फोर का ट्री है तो एम माइनस वन दैट इज फोर माइनस वन नंबर ऑफ कीज एंड फोर नंबर ऑफ मैक्सिमम चिल्ड्रन कैन बी देयर. तो ये हो गए चार नंबर ऑफ कीज. अगर उसके चाइल्ड नोड होते हैं तो उसके चाइल्ड नोड मैक्सिमम चार रहेंगे. सो ये थर्ड प्रॉपर्टी, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज और मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होने चाहिए ये एक्सप्लेन करती है. अगर मेरा प्रॉपर्टी फोर है
तो उस पे मैंने अभी क्या एक्सप्लेन किया है, अगर ये हमारा रूट नोड है जो कि नॉन लीफ नोड है, जो कि लीफ नोड नहीं है, तो उसके लिए मिनिमम दो चिल्ड्रन नोड होने चाहिए, मिनिमम दो चिल्ड्रन नोड उसके होने ही चाहिए अगर ये रूट नोड है। अगला वाला प्रॉपर्टी क्या एक्सप्लेन करता है कि हर एक की वैल्यू जो हम स्टोर करते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए हर एक नोड में। तो उसके लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करनी है। यहाँ पे हो गए, यहाँ पे आप देख सकते हो 15, 21, 23 आर स्टोर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, और एक एग्जांपल आप देख सकते हो 71, 73, 75 आर ऑल्सो स्टोर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अगला वाला प्रॉपर्टी हम देखते हैं उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बाइनरी सर्च ट्री के जितना ही है, जो कि है बिग ओ लॉग एन। तो उसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम यूज डेटा यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं। जब तक जो कि मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है वही इन शॉर्ट सिंगल स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इन कंपैरिजन विद बाइनरी सर्च ट्री। तो यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री के बारे में, यहाँ पे बी ट्री के बारे में है, और हर एक पैरामीटर में यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो कितने नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं बाइनरी सर्च ट्री में सिंगल, यहाँ पे मोर देन वन। कितने नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स होते हैं, यहाँ पे 0, 1 और मैक्सिमम 2, यहाँ पे मोर देन 2 होते हैं। या उसके स्पेशल काइंड क्या क्या है, तो यहाँ पे वीएल ट्री है, रेड एंड ब्लैक ट्री है, यहाँ पे एम वे और एम ऑर्डर्ड बी ट्री है। एक्सेसिंग डेटा हम कहाँ से करते हैं, तो यहाँ पे लेस नंबर ऑफ कीज आर देयर, इसलिए हम मेन मेमोरी से करते हैं, यहाँ से डिस्क स्टोरेज से करते हैं क्योंकि ह्यूज डेटा है। अगला वाला वही पॉइंट है कि यहाँ पे लेस वैल्यूज है नॉट ह्यूज, और यहाँ पे ह्यूज है इसलिए यहाँ पे डिस्क स्टोरेज से करते हैं। उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता है लॉग एन है, जहां तक कि एन जो है वो नंबर ऑफ नोड्स है। यहाँ पे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दो प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिग ओ एच अगर हमें हाइट ट्री की पता है, और अगर हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स है तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ लॉग एन, जहां तक कि बाइनरी सर्च ट्री के जैसा ही है। अपीयरेंस हम अगर बोलते हैं तो ये हाइट बैलेंस्ड है, ये फैट ट्री है क्योंकि इसका हाइट बहुत कम होता है। यहाँ पे नोड साइज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि सिंगल वैल्यू यहाँ पे स्टोर करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू डिस्क ब्लॉक साइज होता है जो हो गया आपका नोड साइज। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरा वीडियो देखा जाना। अगर आपको ये वीडियो के कंटेंट्स पसंद है तो आप कमेंट करना ना भूलिए। यहाँ पे मैं आपको सब्सक्रिप्शन लिंक भी प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, मेरे चैनल टिकटॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए, बेल रिंगिंग रखिए क्योंकि रिंगिंग बेल आपको नोटिफिकेशन देता रहेगा। और मैं यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। इस वीडियो सीरीज का अगला वाला वीडियो का शॉर्टकट लिंक भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। यहाँ पे इसी वीडियो के प्लेलिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो स्टे ट्यून विथ माय चैनल टेक टॉक्स। थैंक यू।